हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फोर बहुत ही इजी एंड बहुत ही स्टाइलिश पोनी टेल हेयर स्टाइल हैं जो कि आप पार्टी वगैरह में भी कर सकते हो एंड जिसके भी बहुत लंबे बाल हैं या मीडियम लेंथ हैं उन पे ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ दो पतले रबड़ बैंड की मदद से आप ये हेयर स्टाइल बना लोगे। सिर्फ दो ये पतले वाले रबड़ बैंड होते हैं, इनकी मदद से आप बना लोगे, तो ट्राई ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि किसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। इंस्टा आईडी पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे वहाँ पे मैं बहुत सारी रील्स वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ, वहाँ पे आपको मेरी एक्स्ट्रा चीज़ें भी देखने को मिलेंगी जैसे कि मेकअप वगैरह एंड रील्स वीडियोज, बहुत ही मज़ेदार वीडियोज आपको मिलेंगी, तो प्लीज़ जाके देखिएगा। ओके, तो चलिए हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हेयर स्टाइल होगा वो कुछ इस तरीके से बनाना है। पहले आपको अपने, आप चाहो तो बीच से मांग भी निकाल सकते हो और चाहो तो ऐसे ओपन ऊपर की तरफ से भी रख सकते हो। तो यहाँ से इस तरीके से हेयर लेना है। ओके, और रबर बैंड से इसको टाइट कर लेना है, रबर बैंड लगा लेना है, सॉरी। रबर बैंड लगाने के बाद से सेंटर से इसमें हॉल करना है और इस तरीके से पोनी का जो हेयर है उसको नीचे की तरफ से निकाल देना है। ओके, और थोड़ा सा इसको खींच लेना है टाइटली। उसके बाद से इसमें दोबारा से होल करना है। हेयर का, सॉरी, जो भी नीचे का हेयर था उसको इस तरीके से ऊपर की तरफ खींच लेंगे, पोनी को थोड़ा टाइट करेंगे। अगेन यहाँ पे एक और रबड़ बैंड लगा देंगे पतला वाला ही, और काफ़ी अच्छा लगेगा ये पोनी, और काफ़ी स्टाइलिश है एंड एकदम अलग है। ओके, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये हेयर स्टाइल, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देन जो आपका रबर बैंड दिख रहा है उसको इस तरीके से थोड़ा सा हेयर का सेक्शन लेके और रबर बैंड के ऊपर लपेट के एक यू पिन या फिर बॉबी क्लिप, जिससे भी आपको इजी हो, वो लेके ऐसे लगा देना है। और ये हमारा फर्स्ट पोनीटेल हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो चलते हैं सेकेंड पोनीटेल हेयर स्टाइल की तरफ। ये आप लंबे बालों पे एंड मीडियम लेंथ हेयर पे भी बना सकते हो, तो है ना इजी सा एंड ब्यूटीफुल सा पोनीटेल हेयर स्टाइल। फ्रंट से आप इस तरीके से लेयर्स निकाल सकते हो, चाहो तो बीच की सेंटर पार्टीशन रख सकते हो, चाहो तो मिडिल पार्टीशन रख सकते हो, चाहो तो जैसे मैंने किया है इस तरीके से भी कर सकते हो। चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। जो सेकेंड हेयर स्टाइल है वो मैं मिडिल पार्टीशन से करूँगी। उसके लिए आपको सिंपली थोड़ा सा हेयर लेना है, बालों का थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेना है, यहाँ पे एक रबड़ बैंड लगा देना है। ये सारे हेयर मैं इस तरफ से कर ले रही हूँ ताकि रबड़ बैंड लगाने में दिक्कत ना आए। रबड़ बैंड लगाने में दिक्कत आती है तो नीचे से खींचते हैं बाल, जिसकी वजह से हमारे हेयर भी काफ़ी टूटते हैं। ओके, इसको डबल बार इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे। ओके, हल्का हल्का इसको खींचेंगे ताकि जो आपका हेयर स्टाइल है वो अच्छा दिखे। थोड़ा सा बालों का सेक्शन लेंगे, इसको इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे, इसके अंदर से इंसर्ट कर देंगे। देन जो आपका रबड़ बैंड है उसको टाइट कर लेंगे और एक रबड़ बैंड यहाँ पे लगा देंगे।
और ये हमारा सेकेंड पोनीटेल हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है। फ्रंट से आप अपना लेयर्स निकाल लेना। वाह, जहाँ पे आपके रबड़ दिख रहे हैं उसको थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा तो आपका रबड़ हाइड हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड पोनीटेल हेयर स्टाइल है जो कि लंबे और मीडियम लेंथ हेयर से काफ़ी अच्छा दिखेगा, तो इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ चलते हैं। थर्ड हेयर स्टाइल भी मैं सेंटर पार्टीशन से ही कर रही हूँ। ये हेयर इस टाइप के हेयर स्टाइल बना रहे हो तो कोई पार्टीशन रहे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा हेयर ले लेना है। अगेन मैं इनको आगे कर ले रही हूँ ताकि मुझे रबड़ लगाने में दिक्कत ना हो। ओके, दो बार इसको इस तरीके से ट्विस्ट कर लेंगे, हल्का हल्का इसको खींच लेंगे। इसको टाइट कर देंगे, सारे बालों को पीछे की तरफ करेंगे। जो आपका नीचे से हेयर बचा हुआ है उसको टू पार्टीशन में डिवाइड करेंगे। ओके, टू पार्टीशन में डिवाइड करके इस साइड का जो हेयर है इधर से फिंगर इंसर्ट करेंगे और इसको इधर निकाल देंगे। फिर इस साइड के हेयर को पकड़ लेंगे और इधर से फिंगर इंसर्ट करेंगे। ओके, और एक इस तरीके से करने के बाद से यहाँ पे एक रबर बैंड और लगा देंगे। और ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। अगेन आपको लेयर्स निकालने हैं तो आप निकाल सकते हो। इस तरीके से इसको खींच देंगे तो ये हमारा जो रबड़ बैंड है वो हाइड हो जाएगा और ये हमारा थर्ड पोनीटेल हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो मीडियम टू लॉन्ग हेयर के लिए। तो चलते हैं फोर्थ हेयर स्टाइल की तरफ। फोर्थ हेयर स्टाइल है ये वाला भी काफ़ी अच्छा है, इसको आप पार्टी वगैरह में भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको थोड़े थोड़े हेयर्स अपने दोनों साइड से छोड़ देने हैं इस तरीके से, थोड़ा लंबे में छोड़िएगा ताकि जैसे मेरे लेयर्स कटे हैं, अगर आपके लंबे हैं तो बहुत ईजिली बन जाएगा, बट मेरे शॉर्ट शॉर्ट हैं तो थोड़ा सा आप बैक वाले हेयर भी आगे ले लीजिएगा। ओके, उसके बाद जो आपके हेयर बचे हुए हेयर हैं उनको आप बैक में एक पोनी बना लोगे। आप अगर पोनी रखना पसंद है आपको तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा पार्टी वगैरह में। थोड़ा सा इसको खींचना है। ओके, इस तरीके से खींच के छोड़ देना है। अब बारी आती है इस साइड के हेयर्स की, तो इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है और सिंपली इस तरीके से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके एक साइड से इसको पकड़ लेती हूँ मैं ताकि ये खुल ना जाए। दूसरी साइड भी इसी तरीके से करना है।
अब एकदम जहाँ पे आपने रबड़ बैंड लगाया है वहाँ पे लाके इसको एक रबड़ बैंड और लगा देंगे इसमें। ओके, इसको भी ट्विस्ट करेंगे और जो ये हमने होल किया था इसके नीचे से अंदर की तरफ इसको खींच देंगे और टाइट कर लेंगे। और ये हमारा फोर्थ हेयर स्टाइल पोनी टेल हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया है, जो कि काफ़ी इजी है और काफ़ी स्टाइलिश भी लगता है। तो आपको सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी हेयर स्टाइल अच्छी लगी हो मुझे ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट हेयर स्टाइल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इसके साथ भी आप झुमका या बालियाँ ट्राई कर सकते हो। बाय गाइस, टेक केयर।